2015 की बात है, सिर्फ 17 साल का था मैं। ना मेरे पास अच्छा कैमरा था, ना अच्छी लाइट्स, ना अच्छा इक्विपमेंट, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे ऐसा लगता था कि अच्छी वीडियोस बनाने के लिए ये सब कुछ होना बहुत ज़रूरी है। टर्न्स आउट आई वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग। Hey lads, how's it going? My name is Asnan Tariq and welcome back to another video. मतलब एक ही हफ्ते में दो दो वीडियोस, अब तो लाइक बनता है। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। मैं कब से भीख मांगने लग गया? तो यार मुझे शुरू से लेकर आज तक ये DMs आते हैं कि भाई कौन सा कैमरा, कौन सी लाइट्स, कौन सा माइक, कौन सा सॉफ्टवेयर। और मैं हमेशा से ही सबको यही बताता आया हूँ कि यू डोंट नीड प्रोफेशनल इक्विपमेंट टू शूट गुड वीडियोस। लाजमी नहीं है कि जब तक आपके पास इरफान जुनेजो वाला कैमरा नहीं आएगा तब तक आपकी वीडियोज अच्छी क्वालिटी की नहीं बनेंगी। ये मिस्टेक मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करने से पहले की थी एंड बिलीव मी, मैं उसको आज तक रिग्रेट करता आया हूँ। 6 साल तक प्रॉपर इक्विपमेंट का इंतजार किया और उसके बाद सिर्फ यही रियलाइज हुआ कि यार अगर मैं पहले ही शुरू कर देता बेसिक चीजों से तो कुछ ना सही, एटलीस्ट अभी तक मेरा स्किल तो डेवलप हो जाता। तो बजाय के अब सालों के बाद पॉइंट जीरो से स्टार्ट करो, वर्क विद व्हाट यू हैव, आहिस्ता आहिस्ता करके सीखते जाओ और चीजें वक्त के साथ साथ खुद ही आ जाती हैं। ये वीडियो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड होने वाली है। आज आई विल ट्राई टू क्रिएट अ DSLR वर्दी इमेज विद जस्ट अ स्मार्टफोन, और इसी चीज को टेस्ट करने के लिए हमारे पास ये प्रोडक्ट आया है। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वीवो, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट मोबाइल फोन ब्रांड्स इन पाकिस्तान। यूनिक डिजाइन और इनोवेटिव फीचर्स के साथ साथ वीवो ने अपने फोन की कैमरा की गेम हमेशा से ही स्ट्रॉन्ग रखी है। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी व्हाट दिस फोन हैज टू ऑफर इन टर्म्स ऑफ पिक्चर क्वालिटी। इसीलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स अनबॉक्स दिस प्रोडक्ट। This is the Vivo V21e. Box को ओपन करते ही सबसे पहले आपको मेन प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन क्योंकि मेरी सोच छोटी है सबसे पहले मैं देखूंगा कि इसमें मुफ्त की हैंड्स फ्री है या नहीं। तो बॉक्स के अंदर फोन के अलावा आपको एक सॉलिड सिलिकॉन कवर मिलता है और उसी के साथ साथ कुछ स्टिकर्स एंड वारंटी बुकलेट्स। फर्दर इनसाइड वी गेट अ 33W Vivo फास्ट चार्जर, अ USB-C केबल और एट लास्ट हैंड्स फ्री। अब हम तसल्ली से अपना फोन अनरैप करेंगे एंड वाओ, जस्ट वाओ, लुक एट दिस डिजाइन। अगर फर्स्ट इंप्रेशंस की बात करें तो फोन को होल्ड करने में इसकी बिल्ड क्वालिटी वाइज या डिजाइन वाइज मुझे ये काफी पसंद आया है, लेकिन इससे भी ज्यादा प्यारा मुझे इसका दूसरा वेरिएंट लगा है जिसको वीवो ने नाम दिया है डायमंड फ्लेयर। और मजे की बात यह है कि ये हमारे चैनल थीम के साथ भी मैच करता है। 46,000 के प्राइस टैग में आपको स्लीक डिजाइन, ग्लास बॉडी, फास्ट चार्जिंग, OLED डिस्प्ले, इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर और जबरदस्त कैमरा क्वालिटी। ऑन पेपर तो ये फोन अपनी प्राइस के लिहाज से काफी ज्यादा फीचर्स प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इस फोन का प्रॉपर रिव्यू भी करूं तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। बट इस वीडियो के लिए हम मेनली फोकस करेंगे इसके कैमरा की क्वालिटी और इसके फीचर्स के ऊपर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट। अब एज आई सेड बिफोर कि वीवो ने हमेशा से ही अपने स्मार्टफोन्स के अंदर कैमरा के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया है। अगर मैं इस फोन की बात करूं तो यहाँ पर हमें फ्रंट के ऊपर एक 44 मेगापिक्सल्स का कैमरा प्रोवाइडेड है जो कि ऑटो आई फोकस को सपोर्ट करता है। फोन की बैक पर हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है जिसके अंदर से एक कैमरा 64 मेगापिक्सल्स 26mm वाइड कैमरा है, दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल 16mm अल्ट्रा वाइड कैमरा है और तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल्स मैक्रो लेंस है। बोथ बैक एंड फ्रंट कैमरा सपोर्ट वीडियो रिकॉर्डिंग एज हाई एज 4K 30fps। अगर कैमरा फीचर्स की बात करें तो दो फीचर्स इस फोन के काफी हेविली एडवर्टाइज किए गए हैं, नंबर 1 द ऑटो आई फोकस एंड नंबर 2 द नाइट कैमरा। लेकिन आपको इसके अलावा भी और काफी कूल फीचर्स मिलते हैं जैसे कि स्लो मो, प्रो मोड, टाइम लैप्सेस और इवन एक चीज जो मुझे इसके अंदर काफी अच्छी लगी है, यू कैन चेंज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ योर फेस। आप यहां से अपनी जॉ लाइन इंप्रूव कर सकते हो, अपनी फेस की ब्राइटनेस इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, तो उस लिहाज से भी इसमें काफी कूल फंक्शंस हैं। अब मैं क्विकली आपको इस फोन से खींची हुई 2-4 इमेजेस दिखा रहता हूं ताकि आपको क्लियर अंदाजा हो जाए कि आप इस फोन से किस तरह की क्वालिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो।
Alright, so now let's talk about the real deal. हमने इस कैमरा की बेसिक क्वालिटी तो देख ली है, लेकिन अब मैं इसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहूंगा। मुझे ये देखना है कि क्या आप एक बजट स्मार्टफोन को यूज करके DSLR या मिररलेस कैमरा जैसी क्वालिटी जनरेट कर सकते हो या नहीं। तो सबसे पहले हमें इसके लिए अपने सीन को प्रॉपरली सेट करना पड़ेगा। एक फोन के कैमरे का सेंसर उतनी डेप्थ क्रिएट नहीं कर पाता जितना एक प्रॉपर कैमरा कर लेता है। तो मैंने अपने फ्रेम को कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि कलर्स का आपस में कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो, और लाइट्स और ऑब्जेक्ट की मदद से मैंने पूरी कोशिश की कि अपने सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से सेपरेट कर सकूं। एक बार जब मुझे मेरे फ्रेम की लुक पसंद आ गई है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है लाइट। एक फोन का कैमरा लो लाइट के अंदर डिटेल्स को उतनी अच्छी तरह से कैप्चर नहीं कर पाता, तो आपको उसके लिए ज्यादा लाइट चाहिए और अच्छी क्वालिटी की लाइट चाहिए ताकि आपके कलर एज एक्यूरेट एज पॉसिबल कैमरा में कैप्चर हो सके। यहां पे मैं एक गोडॉक्स के सॉफ्ट बॉक्स को एज अ की लाइट इस्तेमाल कर रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि अपने आप को अंधा किए बगैर जितनी ज्यादा लाइट फेंक सकूं उतनी प्रोवाइड की जाए। मोर ओवर मैं एक चीप रिंग लाइट इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि अपने शेडोज को थोड़ा सा फिल कर सकूं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई नीड इज अ माइक्रोफोन। हां, फोन के माइक की क्वालिटी भी ओके होती है, लेकिन आपको उसको मजीद बेहतर करना चाहिए क्योंकि आपकी वीडियो से ज्यादा आपका ऑडियो मैटर करता है। सेम क्वालिटी के साथ ऐसे ऑडियो पे अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो यकीनन आप बिरयानी में से भी इलायची ढूंढ के खाते होंगे। खैर, तो फोन के साथ मैं बोया का BY-M1 लैव माइक्रोफोन इस्तेमाल कर रहा हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी नीड टू manually set the camera settings. मैंने कितने लोगों को देखा है जो अपने महंगे महंगे सोनी के कैमरास को ऑटो मोड के ऊपर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एंड आई एम लाइक हो भाई। बिलीव मी व्हेन आई से दिस कि मुझे कैमरास की बहुत ही बेसिक नॉलेज है। मुझे कोई डिटेल साइंस वगैरह नहीं पता, सिर्फ बेसिक चीजों के बारे में पता है और उन्हीं को ही इस्तेमाल करते हुए मैं आज तक अपने सारे काम काफी आसानी से करता आया हूँ। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि YouTube के ऊपर जाके छोटी छोटी वीडियोस देख लो, जिनसे आपको ISO, एपर्चर और शटर स्पीड और इस तरह की चीजों का अंदाजा हो जाए। एनीवेज, तो फोन को मैन्युअली ऑपरेट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन चाहिए होगी। अब वो फ्री हो सकती है, पेड हो सकती है, कुछ और हो सकती है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू एंड योर कॉन्शियंस, लेकिन कुछ के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो डू चेक इट आउट। खैर, तो अब मैं अपने कैमरा को मैन्युअली ऑपरेट करके अपने सीन, लाइटिंग और रिक्वायरमेंट के लिहाज से एक्सपोजर को मैन्युअली सेट करूंगा। और फिर फाइनली इतनी मेहनत और इतनी जद्दोजहद करने के बाद, सब कुछ सेट करने के बाद, यू गेट समथिंग लाइक दिस। इस वक्त जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं वो डायरेक्टली Vivo V21e के अंदर रिकॉर्ड की जा रही है। अगर तो आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो एक तो मैं अपने मकसद के अंदर कामयाब हो गया, सेकेंडली ये रहा मेरा प्राइमरी वीडियो कैमरा, इसके अलावा सेकेंडरी आपको बैक पर नजर आ रहा होगा, और उसके अलावा मैं आपको अपने फ़ोन के फ्रंट कैमरे से भी रिकॉर्ड करके दिखा रहता हूँ कि इस वक्त मेरे सामने सिर्फ Vivo का V21e पड़ा है और इसके अलावा और कुछ भी सामने नहीं है। इसके बाद भी अगर आपको यकीन नहीं आता तो मर्जी है आपकी। लेकिन इसी के साथ साथ मैं एक चीज़ भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस फुटेज के ऊपर कलर ग्रेड और एडिटिंग भी की गई है। विदाउट कलर ग्रेडिंग ये फुटेज कुछ इस तरह की दिखती है, और कलर ग्रेड कर देने के बाद कुछ इस तरह की। पर इवन अगर आप सोनी के कैमरास या किसी भी प्रोफेशनल कैमरा के ऊपर शूट करते हो, तो कलर ग्रेड तो आपको उस फुटेज को भी करना ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो आप फुटेज देख रहे होंगे, ये इस कैमरा के ऊपर बिल्कुल ही रॉ शूट हो रही है, मैंने इसको जरा सा भी एडिट नहीं किया हुआ। फिर मैं इस फुटेज को प्रीमियर प्रो के अंदर लेकर जाऊंगा, वहां पर इसको कलर ग्रेड करूंगा, थोड़ा सा एडिट करूंगा, एंड देन इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस। ट्रांजिशन अच्छी हुई या नहीं हुई? अब मुझे पता है कि आप में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई अब ये जादू हमें भी सिखाओ, तो टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर बहुत जल्द एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगा, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। या फिर अगर आप इसके अलावा कलर ग्रेडिंग या लाइटिंग या ऑडियो वगैरह के ट्यूटोरियल्स में भी इंटरेस्टेड हैं, तो मेक श्योर टू प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। आई होप इस वीडियो से किसी न किसी को मोटिवेशन जरूर मिली होगी और आप अपने तमाम एक्सक्यूजेस को दूर करके अपना कॉन्टेंट क्रिएशन का पैशन फॉलो करना शुरू कर दोगे। और अगर कुछ ना सही तो कोई बात नहीं यार, मैंने तो मेहनत करके वीडियो बनाई है ना, मैं तो चार चार रातों से जाग के हल्के पड़वा लिए, काम कर रहा हूं, तो लाइक करो यार, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता। आई थिंक आई हैव अ प्रॉब्लम। इसी के साथ साथ ये वीडियो होती है खत्म। वंस अगेन थैंक्स टू Vivo पाकिस्तान फॉर स्पॉन्सरिंग टुडेज कॉन्टेंट। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। लेकिन कुछ फ्री एप्स कलिंग में नीचे डिस्क्रिप्शन।